मरीना ठकराल गुरुकुल अकेडमी से एक बार फिर से आपके साथ रीजनिंग का एक चैप्टर डिस्कस करने आई हूँ। जो चैप्टर आज हम करेंगे वो चैप्टर है कैलेंडर, जिसकी आज हमारी पहली क्लास है। हम पहले पूरा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे मूव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास कैलेंडर से। अब आपको पता है कि हर साल एक नया कैलेंडर बनता है, तो मतलब कि जो कैलेंडर चैप्टर है वो डिपेंड ही किस पे करेगा, आपके वर्ष पर। मतलब कि हर साल एक नया कैलेंडर बनता है, तो दिस चैप्टर डिपेंड्स ऑन ईयर, मतलब वर्ष पर। और हमारे पास दो तरह के वर्ष होते हैं, तो मतलब दोनों में अलग अलग सिर्फ एक दिन का फर्क होता है, जिसमें 29 फरवरी आ जाती है, तो उस वर्ष से हमारा नाम चेंज हो जाता है। तो दो तरह के हमारे पास वर्ष होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और एक हम बात करें तो होता है लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर को बोलते हैं हम सामान्य वर्ष, लीप ईयर को बोलते हैं आधे वर्ष। अब इनमें फर्क, इसमें दिन होते हैं 365 दिन और इसमें दिन होते हैं 366 दिन। और सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे स्टेज पे आता है, कोई भी ईयर दिया हो तो आपको ये पता करना होता है कि जो ये ईयर दिए हुए हैं इनमें से सामान्य कौन सा और अधिवर्ष कौन सा, वो किस तरह से पता चलेगा। तो लीप ईयर जो वर्ष 4 से भाग हो जाते हैं, जो वर्ष 4 से भाग हो जाते हैं वह अधिवर्ष कहलाते हैं। जो वर्ष 4 से भाग हो जाते हैं वह अधिवर्ष कहलाते हैं। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, एक कंडीशन है, लेकिन जो शताब्दी वर्ष होते हैं, अब बच्चों को ये नहीं बताओ तो कि शताब्दी वर्ष कौन से हैं। इंग्लिश में बात करें तो सेंचुरी ईयर यहाँ से पता चलेगा, और सेंचुरी ईयर वो होते हैं जिनके आखिरी में दो जीरो लगी होती हैं, जैसे मैंने कहा 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, ऐसे करते करते जैसे 1700 हो गया, चाहे 2000 हो गया। लेकिन जो शताब्दी वर्ष है जैसे कि ये वाले हैं, इन्हें 400 से भाग करके देखना होता है, इन्हें 400 से भाग करके देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि शताब्दी वर्ष 400 से भाग हो जाए तो वह अधिवर्ष कहलाते हैं, अदरवाइज वह कौन से वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष होते हैं। अब ये क्या है, जो वर्ष अधिवर्ष नहीं होते, या हम कह सकते हैं जो वर्ष 400 से डिवाइड नहीं होते वह सामान्य वर्ष कहलाते हैं, मतलब ऑर्डिनरी ईयर कहलाते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष में दिन मैंने कहा 365 दिन होते हैं। अगर मैं इनमें हफ्ते की बात करूं, आपको पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते कितने दिनों के बराबर होता है, 7 दिनों के बराबर होता है। अब मैं 365 को दिनों को हफ्ते में कन्वर्ट करना चाहूँ, मेरे पास इधर से है, और मैं अब क्या करूँगी तो 365 बटे में कर दूँगी 7। तो मतलब 365 को अगर मैं 7 से भाग करती हूँ, सबको आता है करना, 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 14, मतलब कि आंसर क्या है, 52 हफ्ते होते हैं। जो हमारे पास एक रिमाइंडर बचा ना हमारा इस चीज़ में, पूरा खेल इस चैप्टर में सिर्फ इन चीज़ों का बहुत है, रिमाइंडर का। और रिमाइंडर को यहाँ पर हम बोलते हैं विषम दिन, और 52 हफ्ते और एक विषम दिन होता है, और इस विषम दिन को इंग्लिश में बोला जाता है ओड डेज,
मतलब एक और डेज को साथ में मैं और लिख दूँ तो एक्स्ट्रा डेज, सारा खेल हमारे इस चीज में इस चीज पर है, इसलिए मैंने मिला। अब इसमें दिन होते हैं 366 दिन, अगर मैं इनको हफ्ते में कन्वर्ट करना चाहूँ 366 बटे में 7 करूँ तो ये मेरा इक्वल आता है 52 हफ्ते होते हैं प्लस 7 में 2 विषम दिन बच जाते हैं, मतलब कि ओड डेज कितने होते हैं 2। अब आपसे एक जनरली मैं आपको याद रखने को कहूँ कि आप सिर्फ इतना याद रखेंगे एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डेज होता है, ठीक है, और एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। और एक ऑर्डिनरी ईयर मतलब क्या है, जैसे 1 जनवरी से लेकर अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर तक, ठीक है, तो ये चीज कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन हमारा इन्हीं पर बेस्ड है, अगले पॉइंट पे क्या कहता है, हमारे पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या आता है, इन्हीं पे आता है, कहते हैं इनमें से अधिवर्ष कौन सा है, इनमें से अधिवर्ष कौन सा है, दिया होता है 1700, 1545, 1849 और दे दिया 2800, इनमें से अधिवर्ष कौन सा है। अब अगर हम देखें कि अधिवर्ष कौन सा है, मैंने अभी बता दिया कि अधिवर्ष कौन से होते हैं, जो वर्ष 400 से भाग होते हैं और 4 से भाग होते हैं वो अधिवर्ष कहलाते हैं। अब अगर मैं ये चेक करूं 1700, मुझे यहीं से याद रखना है इसके आखिरी में क्या है, 2 जीरो है, और जिसके आखिरी में 2 जीरो होती है वो मेरा कौन सा वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष होता है, और शताब्दी वर्ष को मुझे किससे भाग करके देखना होता है 400 से, और अगर मैं 1700 को 400 से भाग करती हूं तो क्या ये मेरा पूरा भाग होता है, नहीं होता, तो मतलब ये मेरा अधिवर्ष नहीं है। अब 1545 है तो जरूरी नहीं पूरा भाग करके देखना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करके देख लो, और ये नहीं होते तो ये भी नहीं है, इसको करके देखा ये भी 4 से भाग नहीं होता, लेकिन अब ये है तो इसको मुझे 400 से भाग करके देखा मैंने, और 2800 को मैं 400 से भाग करती हूँ तो 4 × 7 = 28, मतलब कि क्या हो गया, पूरा भाग हो गया। तो यही वाला मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि 2800 एक ऐसा वर्ष है जो अधिवर्ष कहलाएगा, बाकी के तीनों नहीं है। पहला क्वेश्चन इस फॉर्म में आता, ये मेरी टाइप 1 था, आप डाल सकते हो टाइप 1। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है टाइप 2, किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक शताब्दी वर्ष या लिखा होता है 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे, कहता है एक शताब्दी वर्ष या 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया, मैंने बताया हर 4 साल के बाद हमारे पास क्या आता है, अधिवर्ष आता है 4 पे 8 पे 12 पे, लेकिन जो सेंचुरी होता है उसमें हर 400 साल के बाद आता है। अब पूछता है कि एक शताब्दी वर्ष में कितने अधिवर्ष होंगे या 100 वर्षों में, मतलब बात कर रहा है 1, 2, 3 लगातार 100 में। अब आप काउंट करना चाहोगे तो आप कहोगे 4 पे होता है, 8 पे, 12 पे, 16 पे, ऐसे करते करते 100 तक बताओगे, मतलब हर 4 ईयर्स का गैप आ रहा है। जब भी 4-4 का गैप आता है तो हम क्या करते हैं, हम आखिरी वाला लेते हैं और उसको 4 से भाग कर देते हैं, तो मतलब उसके बीच में ऐसे कितने डिजिट आए हमारे पास, हमने कहा हर 4 साल के बाद आ रहा है तो हमने एक अंतर दे दिया कि 25 अधिवर्ष होते हैं, लेकिन उस वक्त हम अपना एक कंसेप्ट भूल जाते हैं कि उसके अंदर तो ये 100 वाला भी इंक्लूड हुआ, 4, 8, 12, 100 तक
किए हैं तो 100 भी उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, लेकिन 100 मेरा शताब्दी वर्ष है ये याद रखना है, और 100 शताब्दी वर्ष है तो उसको मुझे 4 से भाग करके नहीं देखना है, 100 को मुझे 400 से भाग कर देखना है, और 100 को जब मैं 400 से भाग करती हूँ तो ये मेरा पूरा भाग नहीं होता, मतलब इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी ज्यादा जा चुकी है, तो इसलिए मैं 25 में से एक पॉसिबिलिटी माइनस कर देती हूँ और मेरे पास कितने बच जाते हैं 24। तो मतलब अगर पूछता है एक शताब्दी वर्ष या 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष होते हैं, तो आपने आंसर कितना देना है, 24 देना है, और नहीं तो आप इसका इस तरह से ले सकते थे कि 4, 8, 12, आपको पता है कि 100 तक तो मुझे नहीं काउंट करना, मुझे 96 क्योंकि उसके बाद तो मुझे 3 पता है वो तो है ही नहीं, और 100 को मुझे चेक करना है 400 से, तो 4 से लेके कहां तक की बात आई, 96 तक की, लेकिन मैंने ये पॉसिबिलिटी इसलिए बताई कि जब आपको 200 300 400 तक करना होगा तो उस वक्त मुझे 400 इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसलिए ये मेथड बेस्ट रहता, नहीं तो आप सीधा 96 लेके और 96 को 4 से भाग करके देखते तो 24 चौके 96 आ जाता, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी में अब एक क्वेश्चन आता है, अब इसी का एक्सटेंडेड आ जाता है, अब वो कहता है, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करवा रही हूं, कहते हैं 2 शताब्दी वर्ष, 2 शताब्दी वर्ष या कहता है 200 वर्षों में कितने अधिवर्ष आते हैं। पेपर में आपसे किस तरह से पूछा जाता है, पेपर में कुछ भी दे देगा, क्या देगा 1900 से लेके आगे 2000 तक के कुछ भी आपको बताओ, आप उसमें से माइनस करके देखो कि बीच में कितने वर्ष बन रहे हैं, अगर 100 बन रहे होंगे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, इसलिए मैं शॉर्ट में करवा रही हूं। अब 2 शताब्दी वर्ष 200, मतलब फिर से बात हुई 1, 2, 3 से लेके अब 200 तक बताने हैं। अब मैंने कहा जब हर 4 साल के बाद आ रहा है तो आपने डायरेक्ट 200 उठाए और देखा कि 4 साल के बाद आ रहे हैं, तो 4 × 5 = 20 0, तो आंसर में आ गया 50, लेकिन फिर से वही हमने बस करना क्या, उनमें से शताब्दी अलग निकाल लेने हैं, और शताब्दी अलग निकालूंगी तो 100 हो गया और 200 हो गया, मतलब ये दोनों ही ऐसे, इनको मुझे किससे भाग करके देखना था 400 से, अब ना तो 100 400 से भाग होता ना ही 200 400 से भाग होता, मतलब यहाँ पे मेरे भी दो बीच में ईयर ऐसे आ गए जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, उतने तो 400 क्योंकि ये 4 से तो भाग हो जाते हैं, 100 वाला भी और 200 वाला भी, लेकिन 400 से नहीं होते, तो 50 में से 2 पॉसिबिलिटी कट गई, तो ये कितने बच गए, 48 बच गए। ऐसे करते करते आप चाहे अब 3 शताब्दी का निकाल लो, मतलब यहाँ पे 300 हो जाएगा, और 300 होगा तो क्या होगा, फिर वही बात 300 को 4 से भाग करो, कितने आए 75, लेकिन बात फिर वही 1 से 300 के बीच में शताब्दी कौन कौन से आए, 100 आया 200 आया 300 आया, ये तीनों ही 400 से भाग नहीं होते हैं, मतलब फिर मैंने क्या किया 75 में 3 काट दिया तो मेरे पास कितना आंसर बच गया 72 बच गया, ठीक है, क्लास समझ आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आया 4 शताब्दी वर्ष, मतलब कि 400 वर्षों में, अब फिर 400 जब लिया तो 4 से भाग किया, 4 × 4 = 0, फिर 0 तो कितना हुआ 100, अब बात वही 1 से 400 के बीच में हम देखें तो 100 भी आया शताब्दी, 200 भी आया, 300 भी आया, 400 भी आया, लेकिन है क्या ये चारों के चारों, अगर मैं इनको 400 से भाग करती हूँ तो ये भाग नहीं होते, और मतलब अब क्या ये है, सही बोला मैंने, क्या 400 भी 400 से भाग नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, ये 3 ऐसे हैं जो 400 से भाग नहीं होते, लेकिन ये क्या है 400 से भाग हो जाता, अब इसमें मैं 4 माइनस करूं कि 3 माइनस करूं, एक सेकंड में पता चल गया, क्योंकि ये मुझे सिर्फ वो माइनस करने हैं जो 400 से भाग नहीं होते, और 400 400 से भाग हो जाता है, ये वाला 400 से भाग हो जाता है, लेकिन ये वाले हैं वो 400 से भाग नहीं होते, तो 400 में से 4 नहीं, हम कितने माइनस करेंगे 100 में से 3, और 100 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 97, तो अब डायरेक्ट याद करते हो अगर 100 वर्षों में पूछा जाए तो 24 होते हैं, 200 में पूछा जाए तो 48 होते हैं, 300 में पूछा जाए तो 72 होते हैं, और 400 में पूछा जाए तो 97 होते हैं, और ये कई बार पूछा गया है किस तरह से, या तो अधिवर्ष पूछे जाते हैं और नहीं तो इसी चीज को चेंज कर लेता है, पूछता है कि कितनी बार 29 फरवरी आई, और 29 फरवरी का मतलब भी क्या है, अधिवर्ष, अधिवर्ष बनता ही सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर एक 29 फरवरी ऐड हो जाती है।
अब इसी में टाइप थ्री में इसी में से आता है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन आता क्या है, कहता है कि एक शताब्दी वर्ष, कितने विषम दिन होते हैं, हाउ मैनी ओड डेज आर देयर इन अ सेंचुरी ईयर, हाउ मैनी ओड डेज आर देयर इन अ सेंचुरी ईयर। अब आपको पता है ओड डेज मैं बता चुकी हूँ, अब एक सेंचुरी में पूछ रहा है, मतलब एक से लेके सौ वर्षों में पूछ रहा है। अब एक से सौ के बीच में तो मेरे पास हर तरह का वर्ष आया, सामान्य भी आया, अधि भी आया, और जो ओड डेज थे सामान्य में अलग थे और उस लीप ईयर में क्या थे, अलग थे, वो मैंने दोनों बताया कि सामान्य में एक था और लीप ईयर में कितने थे, अधि वर्ष में दो विषम दिन थे। अब इनमें तो अलग अलग से आएंगे, मतलब मुझे अलग अलग से काउंट करके उन्हें प्लस करना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगी कितने विषम दिन है। और आपको इतना भी पता है कि एक साल आगे जाता है उसमें एक दिन बचता है, वो अगले वाले में काउंट हो जाता है, अगर आज सोमवार है अगली तारीख को आता है तो मंगलवार हो जाता है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सबसे पहला यही है आप इन दोनों में से अलग निकाल लो, सामान्य वर्ष अलग निकाल लो, अधि वर्ष अलग निकाल लो। सामान्य वर्ष में अब मैंने देखो एक से लेके सौ में, अब आपको पता है इससे पिछला वाला कंसेप्ट हम कर चुके हैं, जब एक से सौ की बात हो रही थी उसमें अधिवर्ष कितने थे, 24। अगर मैंने 24 अलग से निकाल लिया अधिवर्ष तो मेरे पास ये कितने बच गए, 100 में से 24 माइनस करूंगी तो रेस्ट बच जाएंगे 76। अब अगर आपको पता है एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होता था, एक होता था, और ऐसे करते करते मेरे पास एक से सौ में 76 सामान्य वर्ष आए तो विषम दिन कितने हो गए, 76 एकम 76, एक क्या है विषम दिन एक सामान्य वर्ष का। और ऐसे ही अधिवर्ष में बात करें, एक अधिवर्ष में विषम दिन कितने होते थे, दो, और 24 की बात करें तो 24 को दो से गुना करूंगी तो कितने हो जाएंगे 48। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगी, प्लस 8 और 6 14, 7 और 4 11, और एक कितना हो गया 12। क्यों, कभी आपने देखा है कि एक दिन इकट्ठा हो गया तो वो मंगलवार बीच में छूट जाता है, वो भाई लास्ट में ऐड करेंगे, फिर अगले में दो बच गए तो दो क्या कहते हैं, कभी भी शुरू हुआ था और दो दिन एक्स्ट्रा बच गए तो छूटेगा नहीं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैंने क्या करना है, इन 124 में से हफ्ते में कन्वर्ट कर लूंगी, 124 में से हफ्ते निकाल ली, मतलब एंड में बचेंगे कितने दिन, जो हफ्ते में कन्वर्ट होते चले गए वो होते गए। 124 को जब मैंने हफ्ते में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 5 विषम दिन बच गए। तो आपको यही याद रखना है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। ऐसे करते करते अब क्वेश्चन में यही चेंज होता रहेगा, और अब पूछता रहता है 200 में कितने, 300 में कितने और 400 में कितने, बस वही चीज, यहाँ एक की जगह दो कर दिया, इन अ टू सेंचुरी ईयर, तो एक से लेके 200। अब 200 में भी पता है आपको, 200 में क्या पता है आपको कि ये कितने होते थे आपके पास, 48 आया था, और 200 में से 48 माइनस किए तो ये कितने बने थे आपके पास, 152। इसको एक से गुना करते थे और इसको दो से करते थे, 248। 7 से भाग करती हूँ तो कितना बनता है, 248, 7 से भाग किया, 7 3 21, 7 5 35, तो कितने बचे, 3, तो 200 में कितने हो गए, 3 हो गए। तो ऐसे ही करते जब हमसे पूछा जाए कि अब 3 शताब्दी वर्ष में कितने होते हैं दो की जगह, या कह देता है इन 3 सेंचुरी ईयर, मतलब 3 शताब्दी वर्ष भी थी, मतलब 300 वर्षों में, या सीधा ही कह देगा इन 300 ईयर्स, तो सिर्फ आपको करना क्या है, एक से लेके 300 की बात कर रहा है। अब इतना भी आपको पता है कि 300 में ये कितने थे, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया 72 थे, और 72 ये थे तो इसमें से माइनस किया तो कितने बन गए, 228 बन गए। और एक ये सामान्य वर्ष है तो इसलिए याद रखना, सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं भाई, एक होता है एक में, और इसमें कितने थे, सेम कंसेप्ट चल रहा है, 228 और ये कितना है 144। स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको पता है लास्ट में हम ये चीज कर चुके हैं, मैं बता चुके हूं 72 वगैरह, 228 और 144 कितना हो गया अब आपका, 8 और 4 12 372। जब आप इसको फिर हफ्ते में कन्वर्ट करना चाहोगे, 7 5 35, 7 3 21, मतलब कितना बचा, एक, तो 100 में आए 5, 200 में 3 और 300 में 1, तो हमारा एक लास्ट रह गया, जैसे 400 में कितने आते हैं, अगर 400 की बात की जाए तो मतलब इन 400 ईयर्स या 4 सेंचुरी ईयर,
अब आपको 400 में पता है 96 नहीं थे, कितने थे 97, क्योंकि 400 ऐसा था जो उससे भाग हो जाता है, और 400 में से जब मैं 97 माइनस करूंगी तो कितना हो जाएगा 303, 303 को 1 से गुना करेंगे, 97 को 2 से, तो ये कितना हो गया 194, और ये कितना है 303। जब मैंने इन दोनों को प्लस करना चाहा तो कितना बना 497, और मैंने इसको 7 से भाग किया, 7 × 7 = 49, 7 × 7, तो मतलब पता चल गया कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा तो 0। मैंने ये चारों इसलिए लिखवाए क्योंकि अब आगे अगर बाई चांस आपके पास पेपर में ये ना आके 400 था, आपसे पूछ लिया जाए 700 में कितना होगा, आपसे पूछ लिया 900 में कितना होगा, ये इससे भी बड़ा दे दिया, मान लो 1700 में कितना होगा, आपने सिर्फ यही कंसेप्ट याद रखना है कि 100 पे 5, 200 पे 3, 300 पे 1, 400 पे 0। अगर अब मैंने कहा 700 में पूछ लिया जाए, क्या 700 को मैं ऐसे नहीं लिख सकती 400 जमा 300, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्योंकि पता है मैंने इसको 400 में क्यों डिवाइड किया, मैं एक कंसेप्ट बता रही हूँ कि हर चौथी शताब्दी पर, फोर्थ सेंचुरी पर जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं 0। जैसे 400 पे 0 है तो 800 पे भी 0, 1200 पे भी 0, मतलब कहने का जो भी 4 का मल्टीपल है जो आपका टेबल है उन सब पे विषम दिन कितने होंगे 0, ताकि मैं उसको इजिली डिवाइड कर पाऊँ। तो 700 400 जमा 300 किया, 400 पे कितना है 0, और 300 पे कितना है 1, तो मेरा 700 पे 0 जमा 1 कितना बन जाएगा 1। अगर हम मेरे से इससे भी बड़ा पूछ लिया जाए, मैंने कहा 2700 पे बताओ, तो 4 के मल्टीपल में इससे छोटा ढूंढो, जैसे 4 × 7 = 28, तो अब ये इससे ज्यादा हो गया, तो 4 × 6 = 2400 पे आ गए, क्योंकि हमें पता है 2400 पे क्या होते हैं 0, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया 2400 जमा 300। और नहीं तो आप नहीं, अगर इतना हो तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हो, 400 जमा 800 ऐसे करके 2400 और 300। अब 2400 पे याद है कि 0 है, और 300 पे वहां लिखा हुआ कितना है 1 है, तो 2700 में भी कितना हो गया 1। तो इसी पोर्शन से चाहे जितना मर्जी पूछ लिया जाए, आपको कह दिया जाए कि 1 से लेके 2800 तक बीच में कितने विषम दिन आएंगे, तो आप उसमें से करके यहाँ से फाइंड कर सकते हो इस मेथड से। आज वाली क्लास में इतना ही, और इससे हम नेक्स्ट वाली अपनी जो क्लास होगी तो इसमें हम बहुत सारी टाइप करेंगे आने वाली क्लास में। थैंक यू क्लास।